पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्लॉक प्रमुख की तिथि घोषित होते ही चंदौली जनपद के समस्त विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरा गया, जिसकी समय सीमा 11 बजे से 3 बजे तक रखी गई। वहीं विकास खंड चकिया से पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार शंभुनाथ यादव और विकास खंड साहबगंज से अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार गीता देवी का पर्चा दाखिल हुआ, जो पूर्व जिलाध्यक्ष चंदौली छात्र बनी सिंह की समर्थित प्रत्याशी हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दोनों विकास खंडों के प्रमुख निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंदौली अभिमन्यु सिंह द्वारा कहा गया कि जीत बीजेपी की सुनिश्चित है और सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी चकिया प्रीति त्रिपाठी और तहसीलदार फूलचंद यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक चकिया और प्रभारी निरीक्षक साहबगंज मनोज कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद हैं। सर, आज साहबगंज विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, उसके बारे में बताएं सर। हमारी प्रत्याशी श्रीमती गीता जी, श्री आजाद राम जी की पत्नी है और ये गरीब परिवार से आने वाली महिला है, उनके ऊपर पार्टी ने निर्णय करके गरीब परिवार की महिला को हमने ब्लॉक प्रमुख बनाने का निर्णय लिया था। इसमें हमारे तमाम बीडीसी सदस्यों ने सहयोग दिया और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग निर्वाचित सर। क्या सर, आप इसको क्लियर करें सर कि आपका कैंडिडेट निर्विरोध हुआ है कि उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ है? हमारी जानकारी में अभी तक कोई उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया है, और जिस ढंग से हमारे यहाँ के सदस्यों से बात हो रही है, हमें लगता है कि निर्विरोध निर्वाचित होंगे। तो सर, प्रमुख जी क्षेत्र के जनता के लिए क्या करेंगे? क्षेत्र के जनता के लिए जैसा कि हमारे दल का और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, सबका साथ और सबका विकास, इसी मुद्दे पर काम करते हुए हमारी ब्लॉक प्रमुख इस क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो भी संभव होगा सब करेगी। इनको भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के और तमाम जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से, यहाँ के सांसद और विधायक की तरफ से इनको भरपूर सहयोग दिया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।